हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज रुकमणी पब्लिकेशन दी प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम 3 का सेट नंबर आज 10 करने वाले हैं जीके जीएस का। इससे पहले मैंने सारा सेट करा दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इससे आपकी तैयारी में 2-3 नंबर का इजाफा जरूर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आप लोगों के सामने पहला प्रश्न। और हाँ दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। देखिए फ्रेंड्स, जो भी जीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर का। और करंट अफेयर्स की अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो चैनल पर जाएं, विजिट करें, एडिटोरियल करंट अफेयर का मैं करा रहा हूँ, आप वहां से प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली वहां से सवाल आने की संभावना है। तो देखिए आज के इस प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधों में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये कार्य करता है, आप इसको ध्यान में रखें कि पौधों में जल पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। और पत्तियों में निर्मित खाद्य को पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है, आप इसको भी ध्यान में रखें। ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता था, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है। तो आपको पता होगा कि भोजन के पाचन में क्या मदद करता है, तो लार हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है। और लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, आप इसको ध्यान में रखें। और प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर एंजाइम हमारे लार से श्रावण होता है, आप इस भी पॉइंट को ध्यान में रखें। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है। अब देखिए टेलीफोन के संदर्भ में पूछा है ADSL, तो ADSL का पूर्ण रूप होता है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सवाल बार बार पूछा जाता है, ASCII का पूर्ण रूप क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ये कंप्यूटर का सवाल है, ये कंप्यूटर में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखें। अगला क्या, वेन भी पूछा जाता है, वेन मीन्स होता है वैल्यू एडेड नेटवर्क, आप इसको भी ध्यान में रखें। और XML ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखें। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ये इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो देखिए कंप्यूटर का सवाल हर शिफ्ट में 2 से 3 पूछा गया है, आप कंप्यूटर को बिल्कुल हल्के में ना लें। तो इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस है, तो आप इसको ध्यान में रखें, नॉर्टन एक क्या है, एंटीवायरस है। आप देखिए कुछ प्रचलित एंटीवायरस के एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, नॉर्टन तो आप देख ही लिए, एक है मैकाफी, ये भी है पूछा जाता है, एवास्ट और बीट डिफेंडर, ये सब क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। और एंटीवायरस का कार्य क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में जो भी मालवेयर आ जाते हैं उससे क्या करता है, ये प्रोटेक्शन देता है, तो आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो किसी भी इंटरनेट पर पहुंचने के लिए हमें यूनिक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है, जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके माध्यम से हम इंटरनेट पर पहुंच सकते हैं। अब देखिए ये भी सवाल पूछा जाता है कि एक आईपी एड्रेस बराबर कितना बीट होता है, तो आप इसको ध्यान में रखें, 32 बीट होता है एक आईपी एड्रेस बराबर। और आईपी का पूर्ण रूप क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आप इसको भी ध्यान में रखें। और FTTP का क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपने देख लिया कि अभी तक 3 सवाल मिल चुके हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर से हर शिफ्ट में 3 से 4 सवाल पूछे गए हैं, आप कंप्यूटर को एक बार रिवाइज कर लें, आपके लिए अच्छा होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 परमाणु मौजूद होते हैं, आप इसको ध्यान में रखें। और ओजोन की सांद्रता मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन के द्वारा हम ओजोन की सांद्रता मापते हैं। आप ये बता दीजिए कि ओजोन कौन से मंडल में पाया जाता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ओजोन कौन से मंडल में पाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक 2 गुनी हो जाती है। कब 2 गुनी हो जाती है, जब 10 डिग्री वृद्धि हो जाए तब स्थिरांक 2 गुनी हो जाती है, आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 क्या, उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसके द्वारा एकल कोशिका स्वयं 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो आप यहां देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाइनरी विखंडन। बाइनरी विखंडन को ही द्विविखंडन कहते हैं, आप इसको ध्यान में रखें। अगर ऑप्शन में द्विविखंडन आता तो आप तुरंत पकड़ लेते, आप इसका आंसर दे सकते थे, लेकिन यहां लिख दिया था बाइनरी विखंडन, और बाइनरी विखंडन मींस होता है द्विविखंडन, आप इसको ध्यान में रखें। और अगर ये भी पूछ ले, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है, तो ईस्ट में जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है, आप इसको ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ईस्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हर पॉइंट में मैं कोशिश किया हूं कि एक्स्ट्रा पॉइंट दूं जो कि इससे रिलेटेड हो और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए पढ़ने का तो बहुत कुछ है, लेकिन हमको पढ़ना केवल वही चीज है जो मैक्सिमम एग्जाम में आने की संभावना हो, तो हम उसी चीज को फोकस कर रहे हैं। तो देखिए इसमें 9 नंबर क्या है, कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से 2 राज्यों की गृह भूमि है। तो कोरोमंडल
तट बेसिकली किस राज्य में है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कोरोमंडल तट है। आप देखिए कोरोमंडल तट दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र को ही कहते हैं, आप इस भी पॉइंट को ध्यान में रखें कि कोरोमंडल तट किसको कहते हैं, तो दक्षिण पूर्वी तट क्षेत्र को जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में फैला हुआ। अब मालाबार तट अगर पूछ ले तो मालाबार तट केरल में है और इसको पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है, आप इस भी पॉइंट को ध्यान में रखें। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है, आप इसको भी ध्यान में रखें। डायरेक्ट यहां से सवाल पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु क्या है, तो नीलगिरी पहाड़ी, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें। अगर पूछ ले कोकण तट का संबंध किस राज्य से, तो आप कमेंट करके बताइए कि कोकण तट कहां है, आप इस पॉइंट को बताइएगा कमेंट करके कि कोकण तट किस राज्य में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसको बोलते हैं इसरो, क्या बोलते हैं इसरो, पहले मैं बता दूं इसरो की स्थापना कब हुई है, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त, आप इसको ध्यान में रखें, 15 अगस्त 1969 को हुई है। और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, इसरो के वर्तमान में चेयरमैन एस सोमनाथ है, आप इसको भी ध्यान में रखें, एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। अब आते हैं प्रश्न पर, तो इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया था, तो चंद्रयान 2 किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GSLV-MK3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार व्यवस्था की थी, तो पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या चीज की व्यवस्था किया गया था, तो प्रांतीय स्वायत्तता का व्यवस्था किया गया था, आप इसको ध्यान में रखें। और इसके द्वारा द्वैत शासन को अंत कर दिया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में द्वैत शासन का अंत हुआ था। और जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था भारतीय शासन अधिनियम 1935 को, आप इसको भी ध्यान में रखें, इससे सवाल पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो भारत शासन अधिनियम 1935, और इसी के तहत भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षक निकाय है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त निरीक्षक इकाई, संयुक्त राष्ट्र का बाहरी निरीक्षक निकाय, आप इसको ध्यान में रखें। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई है, तो आपको बताना है 24 अक्टूबर, कब हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को ही UNO स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था, तो किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था, तो कनिष्क द्वारा किया गया था, आप ध्यान में रखें। और कहा, कश्मीर के कुंडल वन में चौथे बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आप पहला देखें, पहला बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, यह राजगिरा में हुआ था, और किसके समय, अजात शत्रु के समय हुआ था, आप इसको ध्यान में रखें, इससे सवाल पूछे जाते हैं, एक कहीं ना कहीं ये सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। और द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था, और किसके समय हुआ था, काला शोक के समय हुआ था, आप इसको भी ध्यान में रखें। और तीसरा जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था, और अशोक के समय हुआ था, आप इसको भी ध्यान में रखें। और चौथा अभी तो इसमें देख लीजिए प्रश्न में, कश्मीर के कुंडल वन में, और किसके समय, कनिष्क के समय हुआ था, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है, तो अरावली, आप इसको ध्यान में रखें, यह पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है अरावली। और अरावली का सर्वोच्च शिखर क्या है, गुरु शिखर, यह पूछा जाता है डायरेक्ट, तो आप इसको ध्यान में रखें कि अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, गुरु शिखर। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को किस रूप में मनाती है, तो 21 जून को आप ध्यान में रखें, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाती है, आप इसको भी ध्यान में रखें। और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता, आप इसको भी ध्यान में रखें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है, और इसी ने लाल कुर्ती दल की स्थापना 1929 में किया था, और लाल कुर्ती दल को ही खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है, तो कौन सा इसमें एक शीत मरुस्थल है, तो पेटागोनिया मरुस्थल क्या है, शीत मरुस्थल है, आप इसको ध्यान में रखें। और दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो ये है आटाकामा मरुस्थल, आप इसको भी ध्यान में रखें। और ये दक्षिण अमेरिका में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI सवाल है, आप इसको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा ये सवाल, आप देखिएगा कि पूछ लेता है डायरेक्ट कि दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो आटाकामा मरुस्थल जो कि दक्षिणी अमेरिका में, आप इसको भी ध्यान में रखें। तो अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था, तो इंदिरा गांधी ने यह नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, और यह नारा कब दिया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ नारा दिया गया था, आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर
19 क्या है? पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो आप इसमें दिमाग लगा सकते हैं कि पोंगल एक त्यौहार भी है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, तो पोंगल पक्षी गणना का संबंध किससे? तमिलनाडु से। अब इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जिसको बोलते हैं GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कब लागू हुआ था? तो इसको आप ध्यान में रखना कि 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था पूरे भारत में, और GST लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? असम। आप इसको भी ध्यान में रखें, असम पहला राज्य है जहां GST लागू हुआ था और पूरे भारत में 1 जुलाई 2017 को। आप इसको भी ध्यान में रखें। और ये GST कौन सी समिति के सिफारिश पर आया था? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर। और GST अगर ये भी पूछा जाता, GST काउंसिल संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो आप इसको ध्यान में रखें, 279A में GST काउंसिल का उल्लेख है, आप इस पॉइंट को नोट करके रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एलिफेंटा की गुफाएं कहां स्थित है? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, लेकिन ये बहुत कम ही बार पढ़ा होगा कि एलिफेंटा की गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाघरापुरी द्वीप पर एलिफेंटा की गुफाएं, आप इसको ध्यान में रखें। अगला प्रश्न क्या है, भारत में और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्य बैंकों की है? तो किसकी है? तो PSU पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको इसको पूरा नाम क्या है, पब्लिक सेक्टर यूनियन, ये सभी का गतिविधियों में अधिक हिस्सेदारी होती है ऋण संवितरण में। तो आप इसको ध्यान में रखें, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो आप इसको ध्यान में रखें, अवध साम्राज्य को गवर्नर जनरल डलहौजी ने चेरी कहा था, ये बहुत ही फेमस सवाल है। और क्या कहा था इसने, ये गिलास का फल है एक दिन हमारे ही मुंह में गिरेगा, ये डलहौजी ने कहा था अवध साम्राज्य को, आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही प्यारा सवाल है रेलवे का ये कि 1974 में जो रेलवे हड़ताल हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसको आप ध्यान में रखें, जॉर्ज फर्नांडिस ने इसका नेतृत्व किया था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, पहली यात्री रेल ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच में कब चलाई गई थी? तो ये 1853 में चलाई गई थी, आप ध्यान में रखें। और किसके समय चलाई गई थी, डलहौजी के समय चलाई गई थी, आप इसको भी ध्यान में रखें, डलहौजी के समय। और कितने किलोमीटर चलाई गई थी, 34 किलोमीटर चलाई गई थी, आप इसको भी ध्यान में रखें। और कहां से कहां तक, मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, आप इसको ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो कौन शामिल नहीं हुआ था, तो भारतीय कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इसको प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 में हुआ था, आप इसको भी ध्यान में रखें। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था और बीच में ही ये जो सम्मेलन छोड़कर भारत आ गए थे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, आप इसको भी ध्यान में रखें, ये सवाल पूछा जाता है डायरेक्ट। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जब तीनों गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रेमजे मैकडोनाल्ड थे, आप इसको ध्यान में रखें, इसका करेक्ट आंसर ये है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र पर है माजुली द्वीप और असम में है, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और विशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख यदि कम से कम वर्षों अस्तित्व में हो प्राचीन कहलाते हैं, तो कितने वर्ष पुराने हो तभी वो प्राचीन कहलाएंगे? तो 100 वर्ष पुराने होना चाहिए तभी वो प्राचीन कहलाएंगे, ये सवाल पूछा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? बढ़िया एक सवाल है ये, प्यारा सवाल, सब जानते होंगे, तो स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और स्टेट बैंक की स्थापना कब हुआ है, 1955 में, आप इसको ध्यान में रखें। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, आप इसको भी ध्यान में रखें, SBI का। और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कुल कितना है, वर्तमान में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, आप इसको भी ध्यान में रखें। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, एशियाई विकास बैंक जिसको बोलते हैं ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। और फिलीपींस के कौन से शहर में, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में ADB का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुआ है, 1966 में इसकी स्थापना हुई है, आप इसको भी ध्यान में रखें। और द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वर्तमान में करंट की स्थिति से ADB का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मात्सुको आसाकावा ADB के वर्तमान में अध्यक्ष है। और इसके
सदस्य देशों की संख्या कितना है, आप कमेंट करके बताइए कि एडीबी में सदस्य देशों की संख्या क्या है। तो ये सवाल थे आज के सेट में जो सारा मैंने बता दिया। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अंत में एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा कि अगर करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल पर जाएं और एडिटोरियल करंट अफेयर का हम वार्षिक अंक करा रहे हैं पिछले एक सालों का, आप वहां से कर सकते हैं। इससे आपका करंट अफेयर डेफिनेटली मजबूत होगा और आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपको के सामने अगले सेट के साथ। थैंक यू।